मिर्जा फिल्म की कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अब सोनम को नहीं लोग मिर्जा को याद रखते हैं, ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मिर्जा बहुत को याद रखा, उस किरदार को याद रखा। यही हमारा मकसद था और अगर लोग ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो इट्स अ जॉब वेल डन बाय अस। नो, आई एम वेरी थैंकफुल दैट इंडिया इज रिमेंबरिंग मिर्जा, इंडिया इज नॉट फॉरगेटिंग मिर्जा, इंडिया इज नॉट फॉरगेटिंग आवर हीरोज एंड हीरोइंस। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। ओके, आपके आपके किरदार को लेके, आपके एक्टिंग को लेके इतनी सोनम इतनी तारीफ हो रही है, इतनी अप्रिशिएशन मिल रहा है, सो सुनार की और एक लोहार की आप मानती हैं बात पर, सब डू यू एग्री इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर? वो पता नहीं, बिकॉज हमारी जो मीडिया की और हमारी पब्लिक की मेमोरी बहुत ही छोटी होती है, पर यहाँ आई होप एंड प्रे कि यहाँ मेमोरी लंबी हो, क्योंकि ये फिल्म जो हमने सब हम सब ने बनाई है, इट्स फॉर द मेमोरी ऑफ मिर्जा, की दैट इंडिया डजंट फॉरगेट हर। यस, फुली, बिकॉज वी हैड फुल कन्विक्शन, वी आर वेरी हैप्पी एंड it's something which as far as Atul was concerned, I was concerned, there was nobody else. Okay, jis tarah abhi maine suna ki kuch log candles jala rahe hain aur itna pyar mil raha hai. I just received a message saying that in USA that there are people who are lighting candles inside the theater after they see the film. So that is really really big. That's really big for us. Okay, so ek alag tarah ki film thi, ek alag tarah ka logo ko yaad dilayi gayi thi, kisi ladki ne itni bada balidan diya tha. Is tarah ki filmon ka agar aur aapko offer aate hain ya aapse koi kehta hai karne ki aap hissa bane, अगर एक अच्छी कहानी है और अगर जो लोग इस उस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, अगर हम स्वरदय, राइट, स्वरदय हैं, तो लाइक हार्ट स्वरदय हैं, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। पर वो अभी मतलब मैं क्या कैसे बोल सकती हूँ, अगर मैं भविष्यवाणी देती तो मेरा जो करियर है वो कहीं और होता, पर मैं सिर्फ वो काम करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं खुश रहूँगी और मेरा काम अप्रिशिएट होगा, तो मैं सिर्फ उन लोगों के साथ काम करती हूँ। ओके, क्या सीखा आपने वाइल वर्किंग द फिल्म में ना, और क्या उम्मीद थी कि इतना लोग प्यार देंगे, इतना सराहेंगे? जब भी मैं कोई काम करती हूँ, मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे कोई सीख मिलेगी। मुझे लगता है कि हम यहाँ इस दुनिया में उसी मकसद के लिए हैं कि हम कुछ सीखें, वी इवॉल्व एज ह्यूमन बीइंग्स। और आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव मेट राम, क्योंकि और जो भी हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन सब दे वेरी इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग्स और उनसे सिर्फ सीखने को मिलता है। माइट बी आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, डू यू एग्री मिर्जा द टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर? आई डोंट नो, बिकॉज़ वो मेरा मकसद नहीं था। यू नो, अतुल द वेरी फर्स्ट फिल्म और इतना अलग तरह का सब्जेक्ट, और कैसे सोचा आपने, और क्या जहन में ऐसा ही कुछ शुरुआत इसी तरह से करने का था हमेशा? हमने सोचा कि अगर हम प्रोडक्शन करें तो अभी 20 साल की गुडविल है एज अ फोटोग्राफर, इट वुड बी इजी टू पुट अ सिंपलर प्रोजेक्ट टुगेदर। लेकिन सोचा कि अगर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लें जो विच बी चैलेंजिंग, देन इट वुड बी इजी फॉर अस टू यू बिल्ड सम प्रोडक्शन क्रेडिबिलिटी, तो अगली बार अगर हम अगर कुछ करें तो पीपल विल से कि इन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट यू नो हैड पुट टुगेदर। लेकिन फॉर अस कोर जो था वो था स्क्रिप्ट, और ये स्टोरी जब साइवन क्वार्टर्स ने, जो मेरी कॉम के लेखक है, उन्होंने जब लाई हमारे पास, तो हमने सोचा कि दिस इज अ ग्रेट स्टोरी दैट मस्ट बी टोल्ड। ओके, यू नो, जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, माइट बी रिपीटिंग माय सेल्फ, कितना इतने प्यार की उम्मीद थी क्या, इतना कमर्शियली और इतना लोग सराहेंगे, क्रिटिक की बात कर ली जाए या मीडिया की बात कर ली जाए, बहुत सराहा जा रहा है फिल्म को, और सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी बहुत सारा। राम, क्या उम्मीद थी कि इतना लोग यहाँ तक लोगों को छुए और सब कुछ, और जिस तरह की डिटेलिंग करी गई है उस दौर का, घर को दिखाना, उस तरह के कपड़े दिखाना, कॉस्ट्यूम दिखाना? No, we're just very grateful that people are reacting in this way. People are standing up and clapping at the end of the film. It is affecting people in their bones, and really, we're here to remember Mirza. We're here saying, please don't forget Mirza. So very happy and grateful for that. Do you want the film to be tax-free? We would like it very much to be tax-free, because then more and more people can see the film, more and more people will remember Mirza. I have no doubt that the movie will get tax-free, but please understand, उसका जो प्रोसीजर है वो स्टेट वाइज है, ऐसा नहीं है कि यूनियन गवर्नमेंट को आप एक एप्लीकेशन करो पूरे देश में हो जाए, तो यूपी का अलग रहता है, महाराष्ट्र का अलग रहता है, दिल्ली का, पंजाब, हरियाणा, तो एप्लीकेशन किए हैं और ये जाहिर है कि ये अगले हफ्ते में हो जाएगा, एंड टैक्स फ्री नॉर्मली हैपन्स ओनली आफ्टर रिलीज, तो रिलीज तो हुई है फ्राइडे को,
तो आई एम श्योर दिस इन दिस कमिंग वीक वी विल गेट अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स. बस हो गया. आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू वॉच द फिल्म. अगर वो अगर ये मकसद है तो हो जाएगा. थैंक यू सो मच. वॉच नहीं जा.